ओके, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग सिंबल का डिस्कस किए थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और कुछ एलिमेंट के जो सिंबल है वो लैटिन नेम से डिराइव्ड है, तो उसको हम लोग लिस्ट बनाएंगे। टोटल 11 एलिमेंट है जिनका सिंबल लैटिन नेम से डिराइव्ड है, तो हम लोग देख लेते हैं सिंबल। और जो मॉडर्न सिंबल है दैट वाज गिवन बाय वर्जिलियस, तो जो मॉडर्न सिंबल जो अल्फाबेटिक सिंबल सिस्टम है दैट वाज गिवन बाय वर्जिलियस, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि मॉडर्न जो सिंबल है, मॉडर्न जो सिंबल सिस्टम वाज गिवन बाय वर्जिलियस, ठीक है ना। वर्जिलियस जो है इंट्रोड्यूस किया था, गिवन बाय वर्जिलियस, ठीक है। और कुछ एलिमेंट जो है जिनका सिंबल लैटिन नेम से है, एलिमेंट्स हैविंग सिंबल फ्रॉम लैटिन नेम, इसमें जो सिंबल में जो है कि एलिमेंट का टोटल 11 एलिमेंट है, लेकिन इसका जो है कि लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट है आपका एंटीमनी, इंग्लिश नेम है एंटीमनी जो है, ये इंग्लिश नेम है, लेकिन इसका जो सिंबल है इंग्लिश नेम है, लेकिन इसका जो सिंबल है एंटीमनी का SB होता है। SB जो है लैटिन में, SB जो है ये लैटिन नाम से सिंबल हो जाता है, लैटिन नेम से सिंबल होता है, ये लैटिन में SPVM होता है। SPVM जो है कि इसको लैटिन में, इंग्लिश में इसका नाम, माइक सब लोग म्यूट कर लेंगे, म्यूट योर माइक। सलीम सुल्ताना, जुगस्मिता साहा, सब लोग माइक म्यूट कर ले। तो ये इंग्लिश नेम है एंटीमनी, लेकिन इसका सिंबल कहाँ से आता है? लैटिन नेम के सिंबल से आता है, एसटीबीएम। वैसे ही सेकंड जो एग्जांपल है कॉपर है, तो कॉपर जो है ये इंग्लिश नेम है, और इसका जो लैटिन जो नेम होता है कप्रम होता है, और उससे सिंबल CU होता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम जो है क्या है, लैटिन नाम इसका कप्रम है। तो जो लैटिन नाम से कुछ एलिमेंट के सिंबल है, टोटल 11 एलिमेंट है, इस तरह से टोटल 11 एलिमेंट है। थर्ड जो एग्जांपल इसमें आ जाता है गोल्ड है, दैट इज गोल्ड, हम लोग जानते हैं ये इंग्लिश नेम है, और इसका लैटिन जो है सिंबल होता है AU, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है ऑरम। वैसे ही फोर नंबर में आयरन है, आयरन फॉर Fe, इसका जो सिंबल हो जाता है Fe हो जाता है। ऐसे ही फिफ्थ नंबर में लेड है, आयरन के बाद से लेड है, लेड स्टैंड फॉर Pb, क्योंकि ये प्लम्बम से डिराइव्ड है। सिक्स नंबर में आपका मरकरी है, ठीक है, सिक्स नंबर में हमारा मरकरी है। मरकरी जो है ये इसका HG है, हाइड्राग्रेरम, HG इसको बोलते हैं, ठीक है ना। HG जो नाम है ये लैटिन नेम है हाइड्रागाइरम, दिस इज फ्रॉम हाइड्रागाइरम, ठीक है। वैसे ही सेवन नंबर में जो एलिमेंट का एग्जांपल है पोटेशियम का जो सिंबल है P नहीं होता है, पोटेशियम का सिंबल K होता है, क्योंकि ये लैटिन नाम कैलियम से डिराइव्ड है। एट नंबर में पोटेशियम का सिल्वर जो है ये AG सिंबल है, अर्जेंटम से डिराइव्ड है। नाइन नंबर में सोडियम जो एलिमेंट है इसका लैटिन नाम नॉट्रियम है, Na से डिराइव है। टेन जो है आपका टीन है, टीन का सिंबल SN है, स्टेनम से डिराइव्ड है। और लास्ट जो है टंगस्टन, जो टंगस्टन है इसका सिंबल W है, क्योंकि ये लैटिन नाम जो है वॉलफ्राम,
वोल्फ्राम से डिराइव है, वोल्फ्राम। लैटिन नाम वोल्फ्राम से डिराइव्ड है। तो ये इतना टोटल 11th एलिमेंट है जिनका सिंबल लैटिन नाम से डिराइव्ड है। इंग्लिश में उसको डिफरेंट नाम से बोलते हैं, उसका यूज जो सिंबल है लैटिन सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि वो लैटिन नाम से जो है कि डिराइव्ड है, लैटिन नाम से डिराइव्ड। तो यहाँ तक क्लियर है क्या थ्योरम? यहाँ तक क्लियर है ना सर? पीबी से क्या? पीबी से क्या है? प्लम्बम है, प्लम्बम है। ओके, तो दीज आर लैटिन नेम। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करें। सर ये सब याद रखना पड़ेगा? हाँ हाँ, एकदम याद रखना है, एकदम याद रखना है। नहीं, यहाँ से क्वेश्चन टेस्ट में भी पूछा जाता है, ऐसे भी कमलली याद रखना है, ठीक है ना? याद रखना है, क्वेश्चन टेस्ट में एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। सोडियम का लैटिन नेम क्या है? सोडियम का नॉट्रियम आता है। सोडियम का जो लैटिन नेम है ये नॉट्रियम से डिराइव है, नॉट्रियम, नॉट्रियम अर्जेंटम। स्टैनम, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पेज में मूव करें हम लोग। यस सर। ओके, यस सर। चलिए देखिए, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस तरह के कौन कौन से एलिमेंट है जिनका सिंबल सिंगल अल्फाबेट से जो है रिप्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एलिमेंट्स हैविंग सिंबल एज ए सिंगल अल्फाबेट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विथ सिंगल अल्फाबेट। सिंगल अल्फाबेट में देखिए कौन हाइड्रोजन, तो इसमें हम एक बार लिस्ट बना लेते हैं। जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ए बी सी डी ई एफ, जो इसमें सिंगल अल्फाबेट है उसको सर्किल करेंगे हम लोग। बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सिंगल जो अल्फाबेट के एलिमेंट है उसको हम लोग को सर्किल करना है ना, अल्फाबेट तो सही है। चलिए इसमें देखना है कि सिंगल अल्फाबेट ए से तो कोई एलिमेंट नहीं है, बट बी स्टैंड फॉर बोरोन है ना, सी स्टैंड फॉर कार्बन, कार्बन, डी डी स्टैंड फॉर, डी कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है। ई से भी कोई एलिमेंट नहीं है। एफ फॉर क्लोरीन नहीं है। एच एच फॉर हाइड्रोजन, आई फॉर आयोडीन, आयोडीन, के फॉर पोटेशियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम, लिथियम एलाई होता है। एम भी नहीं है। एन फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, पी फॉर फास्फोरस, फास्फोरस, यू फॉर आर से भी नहीं है, नहीं है, सल्फर, टी फॉर नहीं है, टी से नहीं है, यू फॉर यूरेनियम, यूरेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम, डब्ल्यू फॉर टंगस्टन, 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 टंगस्टन नहीं है, वाई फॉर एट्रियम, एलिमेंट है, जेड नहीं है। तो इतना सारे जो सिंगल अल्फाबेट के एलिमेंट है, सिंगल अल्फाबेट के एलिमेंट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म। सर जर्कोनियम का सिंबल क्या होता है? हाँ, किसका? जर्कोनियम, क्रोमियम का? सीआर नहीं सर, जर्कोनियम का, जर्कोनियम का जेड आर होता है, जर्कोनियम का जेड आर होता है, ठीक है, जेड आर होता है, जर्कोनियम का जेड आर होता है। चलिए,
अब हम लोग जो है कि बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट जो है कि टर्म, सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विथ केमिस्ट्री जो हम लोग आगे भी यूज करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड की बात करेंगे। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड है सम इम्पोर्टेंट टर्म, ठीक है। देखिए इसमें एक आता है न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स अब तक जो हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड टर्म है ये सब। न्यूक्लियॉन्स एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होता है, यानी न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा सेकेंड टर्म हम लोग बात करेंगे आइसोबार, ऐसे ही एक थर्ड टर्म है आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, ऐसे एक और टर्म है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। तो ये सब डिफरेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपके टेस्ट में या बोर्ड में, नीट में जो है कि या टेस्ट में, क्लास टेस्ट में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, क्या होता है। नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम? चलिए चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं। तो पहला टर्म था हम लोग का न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स जो है। तो ये न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन्स को कहेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। वो क्या होता है, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स जो है कि बोले कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। और इसमें जो है ट्रिक के लिए ये ध्यान रखेंगे कि जो न्यूक्लियॉन्स का नंबर होता है वो एटॉमिक मास के रूप में इक्वल होता है। ट्रिक के रूप में याद रखेंगे कि जो हमारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, या इसी को हम लोग मास नंबर भी बोलेंगे, मास जो नंबर होता है वो न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है, न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है, न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। तो ये ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। और इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल एटॉमिक मास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। हाँ बोलिए, ठीक है। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 27। हाँ, 27 जो हो जाता है, एटॉमिक मास ही जो है कि 27, एटॉमिक मास ही 27 हो जाता है, एटॉमिक नंबर 13 है। तो इसमें जो है, हाँ, इसमें जो है कितना प्रोटोन होगा, प्रोटोन कितना होगा, तो 13 प्रोटोन है आपका, 13 प्रोटोन है, प्रोटोन 13। और इसमें न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, तो 27 माइनस 13 इक्वल टू 14 न्यूट्रॉन है। तो इसमें जो न्यूक्लियॉन्स होगा, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन का जो संख्या है, न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन, तो ये देखिए 13 और प्लस 14 ये कितना हो गया, 27। और ये किसके इक्विवेलेंट है, तो एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एल्युमिनियम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो होगा, न्यूक्लियॉन्स इन एल्युमिनियम जो है, दैट इज 27 है। ओके, चलिए और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए, नोट डाउन, नेक्स्ट प्रोसीड करें आगे भले हम। यस सर, यस सर, ओके, यस सर। सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं।
तो फास्फोरस में जो है कि अगर हम ये करें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स फास्फोरस में कितना है, इसको क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स प्रेजेंट इन फास्फोरस। तो ये याद रखना है कि फास्फोरस का मास कितना होता है, ये कभी हो सकता है नहीं दिया रहा है, गिवन नहीं हो, तो इसको याद रखना होगा। और आंसर ऐसे ऑप्शन हम ले सकते हैं जो है कि 30 है, और बी में ऑप्शन जो है कि 15 ले सकते हैं, सी में ऑप्शन 31, और डी में ऑप्शन जो है 16 ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स प्रेजेंट इन फास्फोरस क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा? 31। ओके, वेरी गुड। फास्फोरस, क्योंकि देखिए फास्फोरस का जो है कि इंफॉर्मेशन के लिए इसका मास 31 होता है और एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो आंसर तो सी आ गया। कैसे इसको करना है, तो बाय ट्रिक बताए थे कि जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूक्लियोन्स के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है, लेकिन बाय थ्योरी अगर करेंगे तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 15 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन कितना है, तो ए माइनस जेड जो है 31 माइनस जो 15 है ये 16 है, तो इसमें न्यूक्लियोन्स कितना हो जाएगा, न्यूक्लियोन्स जो होगा न्यूक्लियोन्स दैट इज प्लस प्रोटोन जो है दैट इज जो है कि 16 और प्लस जो है कि 15 ये 31, और ये एटॉमिक मास के ही इक्विवेलेंट होता है, तो आंसर इसमें सी होगा। इस तरह से जो न्यूक्लियोन्स है सिंपल टर्म है, और इसका मीनिंग है पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो है कि सम होता है। तो क्लियर है न्यूक्लियोन्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोबार। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टर्म है हम लोग का आइसोबार। ओके, नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करेंगे आइसोबार। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म है दैट इज आइसोबार। ठीक है, जो आइसोबार है, आइसोबार ये टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है, टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है, आइसो और प्लस जो है कि बार, ये टू वर्ड से बना हुआ है। आइसो का मीनिंग क्या है, सेम, सिमिलर, और बार जो है ना वर्ड, ये प्रेशर के लिए, वेट के लिए आता है। किसके लिए, इसका मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर का मतलब यहाँ वेट से है, तो वेट या मास, सेम अगर मास होगा, सेम अगर वेट होगा, दैट इज नोन एज आइसोबार। डिफाइन कैसे करेंगे, तो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैविंग हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, एटॉमिक मास, कॉल्ड आइसोबार, कॉल्ड आइसोबार। तो अगर एलिमेंट है, एलिमेंट तो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर जो है कि डिफरेंट है, लेकिन उसका अगर मास सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो, दैट इज नोन एज आइसोबार। और एग्जांपल अगर बात करें, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग लास्ट क्लास में भी लिखे थे, जैसे आर्गन है, तो आर्गन का मास कितना होता है, हाउ मच, इट इज 14, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। एंड एक एग्जांपल है कैल्शियम, कैल्शियम का मास कितना होता है, 40, और इसका एटॉमिक नंबर 20। कि दोनों का मास तो सेम है, इसका भी मास कितना है, 40 है, इसका भी मास 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो आर्गन, कार्बन एंड कैल्शियम आर एग्जांपल ऑफ आइसोबार। तो आइसोबार सिंपल टर्म है, कोई भी दो एलिमेंट जिसका मास अगर सिमिलर हो जा रहा है, देन दैट इज नोन एज आइसोबार, उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। चलिए, तो ये सेकंड टर्म था। नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करेंगे आइसोटोन्स। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट टर्म हम लोग का होगा आइसोटोन्स। जो आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स ये भी दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, दैट इज आइसो प्लस टोन्स। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, और जो टोन्स वर्ड है ये न्यूट्रॉन से आया है, न्यूट्रॉन। तो अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है,
दैट इज जो है कि नोन एज आइसोटोन. तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स कॉल्ड आइसोटोन्स. ओके, ये आइसोटोन्स कहलाता है. एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं. एग्जाम्पल में देखिए, एक हाइड्रोजन का एटम होता है जिसका मास 3 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, और एक हीलियम का एटम है जिसका मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है. तो इसमें भी न्यूट्रॉन कितना है, 3-1, 2 न्यूट्रॉन है. हाइड्रोजन का मास 1 है. हाँ, हाइड्रोजन का देखिए मास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का एक ऐसा भी एटम है जिसका मास 3 होता है. इसी को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं. नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में. आइसोटोप्स के बारे में सार्वत्रिकम है ना, जो मास 3 होता है, ट्रिटियम कहते हैं. अभी लिखेंगे इसको बताएंगे अभी इसके बारे में. तो ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है, लेकिन ये बहुत कम होता है, नेचर में बहुत कम पाया जाता है. ये भी हाइड्रोजन का एक एटम है. जनरली हाइड्रोजन का मास मैक्सिमम जो है परसेंटेज 1 ही होता है, लेकिन ये भी एक एटम नेचर में पाया जाता है जिसका मास 3 होता है. और हीलियम में जो है कि देखिए 4-2, यहाँ भी 2 न्यूट्रॉन है. तो जो H3 है, H3 और हीलियम जो है ये आपस में आइसोटोन्स है. इसको बाय नेम हम लोग ट्रिटियम कहते हैं. इसका नाम होता है ट्रिटियम. तो ट्रिटियम और हीलियम है ये आपस में एग्जाम्पल है किसके, आइसोटोन्स के एग्जाम्पल है. तो हाइड्रोजन का ये भी एक एटम है जिसका मास 3 होता है, ऐसा भी एटम होता है जिसको हम लोग ट्रिटियम बोलते हैं. तो दीज आर नोन एज आइसोटोन्स. जो नेक्स्ट टर्म है हम लोग का आइसोबार. ओके, तो वी मूव टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज आइसोबार. हाँ बोलिए सर. आइसोटोप्स. नेक्स्ट टर्म इज आइसोटोप्स. नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करें आइसोटोप्स, और ये भी टू वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है. वन इज आइसो एंड अनदर इज जो है कि टॉप्स. देखिए आइसो का मतलब फिर सेम हो गया, सिमिलर हो गया. और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस, सेम प्लेस. सेम प्लेस कहाँ, इन पीरियोडिक टेबल. और सेम प्लेस का मतलब हो गया सेम एटॉमिक नंबर. सेम प्लेस कब होगा, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा. एटॉमिक नंबर सेम होगा. तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास. हाँ, एटॉमिक नंबर है यहाँ पर. टॉप्स मतलब प्लेस, प्लेस का मतलब प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, सेम प्लेस मतलब सेम एटॉमिक नंबर. तो इसको डिफाइन करें कैसे करेंगे, कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक मास. called isotopes. For example, isotopes of hydrogen. Hydrogen. हाँ, isotopes of hydrogen. और hydrogen के total 3 isotopes है जिसको हम लोग बाई नेम जो है कि कहते हैं. एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज ट्रिटियम है. इसको सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोटियम है इसका मास 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम जो है इसका मास 2 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है. इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. और ट्रिटियम का मास जो है 3 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है. यानी कि इसको सिंबॉलिक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए एक है हाइड्रोजन, 1 एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 2, नंबर 1,
एटॉमिक मास 3, एटॉमिक नंबर 1. तो एटॉमिक नंबर सब में सेम है लेकिन मास डिफर है 1, 2, 3. इसी को प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम के भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 आइसोटोप्स है. ऐसे ही कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना, कार्बन ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं और भी बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, लेकिन मेनली हम लोग को आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन और आइसोटोप्स ऑफ जो है ऑक्सीजन के बारे में ये याद रखना है. यहाँ से क्वेश्चन टेस्ट में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. तो आगे हम लोग थोड़ा सा और भी जानेंगे, इसमें डिटेल करेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम के बारे में. थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग जो है कि नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक लिख लीजिए. तो आइसोटोप्स क्या हो गया, सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास कॉल्ड आइसोटोप्स. चलिए नेक्स्ट पेज में इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे. नेक्स्ट पेज हम लोग मूव कर रहे हैं. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. सर आइसोटोप्स में एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट होता है? हाँ, एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है? हाँ, क्योंकि हाँ न्यूट्रॉन का संख्या डिफरेंट होता है. अभी पढ़ेंगे, बताएंगे कि डिफरेंट न्यूट्रॉन के कारण मास क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है. ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. अच्छा, टाइम आउट होगा क्योंकि 40 मिनट का जो है कि ड्यूरेशन होता है, तो फिर एक बार रीज्वाइन कर लेना है क्योंकि हम लोग का क्लास 1 आवर का है. तो जैसे टाइम आउट होगा हम लिंक शेयर करेंगे, फिर रीज्वाइन कर लेना है, ठीक है. तो हम कह रहे थे कि आइसोटोप जो हाइड्रोजन है, आइसोटोप्स ऑफ जो हाइड्रोजन है, टोटल 3 आइसोटोप्स है. और चलिए नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा इसको और डिटेल कर रहे हैं कि जो आइसोटोप्स है. हाँ बोलिए बोलिए. हम ये कह रहे थे कि जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है ना, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है, कितने आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स माइक म्यूट कर लेंगे सब लोग. 3 आइसोटोप्स होते हैं. माइक म्यूट करेंगे क्योंकि माइक ऑन है. आइसोटोप जो हाइड्रोजन है, फर्स्ट इज प्रोटियम, जिसको हाइड्रोजन भी कहते हैं, प्रोटियम या हाइड्रोजन कहते हैं, प्रोटियम भी बोलते हैं इसका नाम है, या फिर हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों नाम है. और सेकेंड जो आइसोटोप्स है दैट इज ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जो है कि आपका है. थर्ड जो आइसोटोप्स है दैट इज ट्रिटियम, दैट इज ट्रिटियम जो है थर्ड आइसोटोप्स है. और इसमें जो आइसोटोप्स होते हैं उसका सिंबल की बात करें, अगर सिंबल की बात करें तो प्रोटियम के लिए सिंबल H1 एटोमिक मास या P से भी डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को H2 या D से भी डिनोट करते हैं, और ट्रिटियम को जो है H3 या T से भी डिनोट करते हैं. ये सिंबल हो गया. अब इसमें हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर का, तो देखिए सबका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, एटॉमिक नंबर इज 1. और सबका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास फिर इसका एटॉमिक मास 1, इसका 2 और इसका 3 हो जाता है. अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा. और प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन भी क्या हो गया, 1 1 1 प्रोटॉन हो गया. लेकिन न्यूट्रॉन डिफर करता है, न्यूट्रॉन यहाँ 1 - 1 0 हो जाता है, यहाँ 2 - 1 1 हो जाता है, यहाँ 3 - 1 2 हो जाता है. तो न्यूट्रॉन मास जो है न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, चूंकि न्यूट्रॉन का संख्या चेंज हो रहा है. हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है, ये लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 होता है, ट्रिटियम में न्यूट्रॉन 3 होता है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इन प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम क्या है, 0 1 2. देखिए यहाँ से क्वेश्चन, तो यहाँ समझ में आ गया ना कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है, तो देखिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, उसका करस्पॉन्डिंग सिम्बॉल है, उसका जो है करस्पॉन्डिंग एटोमिक नंबर, एटोमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटोन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो जो पहला आइसोटोप्स है उसको प्रोटियम या हाइड्रोजन भी बोलते हैं. सेकेंड जो आइसोटोप्स है दैट इज ड्यूटेरियम है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन का संख्या हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं.
थर्ड आइसोटोप्स क्या है, ट्रिटियम है। अब देखिए यहाँ बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यही क्वेश्चन जो है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 3 आइसोटोप्स है। फिर जो है कि इसका नाम याद रखना है कि प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। प्रोटियम और हाइड्रोजन दोनों सेम नाम है, इसको भी ध्यान रखना है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम। फिर इसका सिंबल याद रखना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 और ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 होता है, इसका सिंबल याद रखना है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है इंक्रीज करता है 1, 2, 3। फिर इसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है कितना है, न्यूट्रॉन कितना है किसमें, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम में कितना होता है, तो इसमें 0, 1 और 2 रेस्पेक्टिवली। ये सब क्वेश्चन इस तरह से टेस्ट में या कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो ट्रिटियम जो होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव उसको कहते हैं जो अनस्टेबल होता है, उससे अल्फा बीटा गामा रे इमिट होता है। तो ये भी हम नोट डाउन कर ले रहे हैं, नेक्स्ट पेज में यहाँ तक लिख लिए ना। क्या बोले कि ट्रिटियम जो होता है, ट्रिटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। कैसा आइसोटोप? सर थर्ड नंबर क्वेश्चन भी था, नंबर ऑफ सर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था? थर्ड नंबर ये कह रहे थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम रेस्पेक्टिवली। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन है, देखिए यहाँ 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, रेस्पेक्टिवली कितना इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना? चलिए, तीनों में न्यूट्रॉन, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, हम ये कह रहे थे कि ट्रिटियम कैसा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किसको बोलेंगे, जो अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये, अनस्टेबल होता है। आगे इसके बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण इसमें जो है कि रे इमिट होता है, रे इमिट होता है। और ट्रिटियम में कौन सा रे इमिट होता है, तो इसमें बीटा रे इमिट होता है। इसमें कौन सा रे इमिट होता है, बीटा रे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा रे इमिट होता है, बीटा रे इमिट होता है, जिसको बीटा माइनस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो रे इसमें जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रिटियम में बीटा रे इमिट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें 3 तरह का रे इमिट होता है, एक अल्फा होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा रे होता है और एक गामा रे होता है। गामा रे होता है, एक जो है कि अल्फा रे होता है, अल्फा रे होता है, अल्फा रे, एक आपका बीटा रे होता है और एक जो है कि गामा रे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसमें अल्फा बीटा रे इमिट होता है। तो ये था हम लोग को, ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। और ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है, नहीं उससे जो है कि बीटा रे इमिट होता है। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जो है कि विच रे इमिटेड इन बाय ट्रिटियम, नहीं ऐसा क्वेश्चन होता है कि विच रे इमिटेड बाय ट्रिटियम। ट्रिटियम जो है कौन सा, ट्रिटियम जो है कौन सा रे इमिट करता है, इमिटेड बाय ट्रिटियम। ऑप्शन ऐसे आपका होगा अल्फा रे जो है कि आपका, बीटा रे, और सी में आपका गामा रे जो है कि इसका नाम बाय नेम होता है अल्फा, ये दिस बाय नेम इज बीटा, और ये बाय नेम क्या हो जाता है गामा जो है कि रे, गामा रे। डी में जो है जो भी ऑप्शन नन ऐसे हो जाएगा। तो इसमें कौन सा रे इमिट होता है, दिस इज द बीटा रे। इसी क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को बीटा मोड में, कि विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, है यानी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है इसमें ऑप्शन ऐसे देगा प्रोटियम, और सेकेंड में जो है कि ड्यूटेरियम एंड थर्ड जो है आपका क्या हो गया ट्रिटियम।
तो कौन रेडियो एक्टिव होता है? तो इट इज ए ट्रिटियम। हाँ बाई सिंगल भी लिख सकता है एच वन, इसको ड्यूटेरियम या फिर एच टू वन लिख सकते हैं, और बाई सिंगल भी दे सकता है एच थ्री वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है और ये बीटा रे इमिट होता है। ये दो क्वेश्चन अक्सर आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर सब नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है या टेस्ट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर कंपोजिशन भी हम लोग देखे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कंपोजिशन क्या होगा। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं, नहीं सेकेंड एग्जांपल जो है कि बात करेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन देखिए, जो कार्बन के आइसोटोप्स है वो दो आइसोटोप्स है, एक बोलते हैं कार्बन 12 और वन अनदर इज नोन एज कार्बन 14। तो देखिए हाइड्रोजन की आइसोटोप्स की तरह, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स का नाम क्या है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, प्रोटियम को ही हाइड्रोजन भी बोलते हैं। लेकिन कार्बन के जो आइसोटोप्स है इस तरह से प्रॉपर नेमिंग नहीं है, इसको हम लोग कार्बन 12 कार्बन 14 के ही नाम से जानते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है ना। बाकी जितने आइसोटोप्स है उसके मास से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन 12 का मतलब क्या होगा सर? कार्बन के आइसोटोप्स दो या तीन है? दो है ठीक है ना, टू आइसोटोप्स है और एक कार्बन 12 है और एक कार्बन जो है क्या है, कार्बन जो है कि 14 है। और कार्बन 12 का जो कंप्लीट सिंबल होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंप्लीट सिंबल में, दिस इज द कार्बन जो है कि इसका 12 मास हो गया, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। और जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 है इसका मास जो है कि 14 हो गया, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका कोई प्रॉपर नेमिंग नहीं है, इसको कार्बन 12 और कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। इसका ये कंप्लीट सिंबल हो गया 12 एटॉमिक मास, 6 एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक मास 16 हो गया और एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो कार्बन 14 है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन जो 14 होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे कि कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है कार्बन का। और ये भी बीटा रे इमिट करता है, इमिट बीटा रे, जो भी लोअर एलिमेंट है ना वो बीटा रे ही इमिट करते हैं, जो हायर एलिमेंट है हेवी एलिमेंट है जैसे यूरेनियम रेडियम, वो अल्फा भी इमिट करते हैं, बीटा भी इमिट करते हैं, गामा भी इमिट करते हैं। तो ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है कार्बन 14। और इसका रेडियो एक्टिविटी का अप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट अप्लीकेशन है, आप लोग वर्ड सुने होंगे कि नहीं, रेडियो एक्टिव डेटिंग, कार्बन डेटिंग कहते हैं, एक वर्ड है आपका कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग क्या होता है कि किसी फॉसिल्स का एज जो है, फॉसिल्स फॉसिल्स समझे ना, जो पुराने जो डेड प्लांट है, डेड एनिमल है, फॉसिल्स का जो एज है, फॉसिल्स का जो एज है, कार्बन डेटिंग टेक्निक से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक होता है जिससे फॉसिल्स का एज क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, पता लगाया जाता है, फाइंड किया जाता है, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये किसके हेल्प से होता है, तो ये कार्बन 14 के हेल्प से ही होता है। तो कार्बन 14 इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और इसके हेल्प से कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज करके फॉसिल्स का एज डिटरमाइन कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज कार्बन डेटिंग टेक्निक, या कार्बन डेटिंग टेक्निक क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होता है, डेड प्लांट या डेड एनिमल जो बरिड है इनसाइड अर्थ में जो बरिड है। तो फॉसिल्स का एज किससे डिटरमाइन करते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक से। और कार्बन डेटिंग टेक्निक किस पर बेस होता है, तो रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन 14। यहाँ तक क्लियर है ना सर? कार्बन नहीं, बीटा रे सिर्फ नहीं, जो लोअर एलिमेंट है ना रेडियो एक्टिव वो बीटा रे करते हैं, जो हेवी एलिमेंट होते हैं ना जैसे यूरेनियम पोलोनियम रेडियम, ये सब करते हैं, अल्फा भी करते हैं, बीटा भी करते हैं, गामा भी करते हैं, लेकिन ट्रिटियम हो गया, कार्बन 14 हो गया, ये केवल बीटा रे इमिट करते हैं, ठीक है सर? ट्रिटियम क्यों कार्बन डेटिंग के लिए यूज नहीं करते?
नहीं वो भी तो बीटा रे। हाँ ठीक है ठीक है, ये प्लांट एनिमल में नहीं प्रेजेंट रहता है ना, ये प्रेजेंट रहता है। कार्बन जो है, कार्बन तो हमारे बॉडी में है, प्लांट में है, ये प्रेजेंट है। हाँ, कार्बन तो यूनिवर्सल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक लिविंग थिंग में ये प्रेजेंट होता है। ये नहीं प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में ना, ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लांट में एनिमल में सर, मतलब सर कोई भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो बीटा रे मतलब इमिट करता है वो हम कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं? नहीं नहीं, कार्बन डेटिंग में हम लोग फोसिल्स, फोसिल्स किसका है, प्लांट और एनिमल का, और प्लांट और एनिमल में तो कार्बन एबंडेंट रूप में पाया जाता है, पूरा बॉडी ही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन 14 का बना, उसमें कार्बन 14 प्रेजेंट है। तो मेन कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन का रेडियोएक्टिव आइसोटोप होना चाहिए, कार्बन 14, ओनली कार्बन 14। ये देखिए, बीटा रे इज नॉट मैटर ऑफ कंसर्न, बीटा रे जो है रेडियोएक्टिव, जितना एलिमेंट है, जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है बीटा रे इमिट करता है, ऑल रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट बीटा, ठीक है ना, लोअर एलिमेंट हो या हायर एलिमेंट हो। लेकिन जो हेवी एलिमेंट है वो अल्फा भी करते हैं, बीटा भी करते हैं, गामा भी करते हैं, हेवी एलिमेंट। बोलिए सर, कार्बन 12 और कार्बन 14 का नाम क्यों नहीं है? कहने का मतलब देखिए, ये ऐसे ही नाम क्यों नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको मास के अकॉर्डिंग ही जानते हैं, इसका कोई निकनेम नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के निकनेम है। तो नेमिंग के लिए जो है कि आपका है IUPAC जो है वो डिटरमाइन करता है, वो जो है रेगुलेट करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों है नहीं है किसी भी एलिमेंट का। हाँ ये है कि हाइड्रोजन का अलग रूप से हम लोग डिफरेंट वे से इसका निकनेम जो है आइसोटोप्स का है, बाकी किसी भी एलिमेंट का नहीं है ऐसा, बस ऐसे ही है, नेमिंग पर है, ऐसा कुछ नहीं है क्यों है, ठीक है ना। चलिए हाँ बोलिए। सर बुक पे कार्बन के 3 आइसोटोप्स दिया है, एक कार्बन 12-6 और कार्बन 13-6 भी दिया है। अच्छा, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। हाँ देखिए, जो कार्बन जो है, हाँ ओके ओके, देखिए कार्बन का जो आइसोटोप्स है, कार्बन जो है कि आपका 12, कार्बन जो है कि 13 और कार्बन जो 14 कह रहे हैं, तो ये बहुत रेयरेस्ट है, ठीक है ना, रेयरेस्ट है। जनरली जो है कि अबंडेंस कितना है 12 और 14 का, तो इसको भी ले सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली जो है प्रेजेंट 12 और 14 ही है, ठीक है ना, ये रेयरेस्ट जो है कि सबसे जो है कि रेयरेस्ट फॉर्म में है। तो हम ये कह रहे थे एग्जाम में कितने लिखना पड़ेगा सर? हाँ, कितने लिखना पड़ेगा? 2 या 3 लिखना पड़ेगा? नहीं, अगर जो है कि देखिए तीनों हम लोग अगर पूछता है इसका आइसोटोप्स कितना है तो 3 है, लेकिन मेनली जो है कि जनरली 12 और 14 नेचर में प्रेजेंट है ना, 3 ही है बट 12 एंड 14 प्रेजेंट इन नेचर। देखिए कार्बन डेटिंग ये कर, हाँ कार्बन डेटिंग जो टेक्निक की बात कर रहे थे, कार्बन डेटिंग जो टेक्निक है, कार्बन डेटिंग जो टेक्निक है, जो हमारा कार्बन डेटिंग टेक्निक है, इज यूज टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स दैट इज बेस्ड ऑन radioactive isotopes of carbon that is carbon 14, ठीक है। तो ये हम लोग का था कार्बन का आइसोटोप। सिमिलरली वैसे ही ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन जो है कि आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इसके भी जो है कि आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जो आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन है, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, इसके भी 3 आइसोटोप्स है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन जो है कि 15, ऑक्सीजन जो है कि 17 एंड ऑक्सीजन जो है 18 के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं है, नो रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसके कोई आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं है, नो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इसके कोई नहीं है। हाँ, इसको हेवी आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं, इसको
हैवी आइसोटोप्स के दिस इज नोन एज हैवी आइसोटोप्स, हैवी आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन का तीन जो आइसोटोप्स था प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो ड्यूटेरियम को हैवी आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं, हैवी आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं, हैवी आइसोटोप्स। और इसी से जो वाटर बनता है इसको हैवी वाटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हैवी वाटर। दिस इज नोन एज हैवी वाटर के नाम से जानते हैं, हैवी वाटर। ट्रिटियम भी है, इसका मास ज्यादा होता है, टू होता है, इसलिए इसको हैवी आइसोटोप्स कहते हैं और इसके वाटर को हैवी वाटर कहते हैं। अब ट्रिटियम रेडियो एक्टिव, ये भी हैवी होता है लेकिन रेडियो एक्टिव होता है तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो हैवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है जो कि हैवी वाटर D2O बनाता है, नॉर्मल वाटर H2O है। वैसे ही हैवी आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 18 इज नोन एज हैवी आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो टाइम जो है कि लगभग कितना हो गया हम लोग का, क्लासेस 9:30 टू 10:30 था क्या, 10:45? तो टाइम तो बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया, ठीक है ना? नहीं सर। ठीक है, तो ये हम लोग का था आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक सर हैवी आइसोटोप्स उन्हीं को कहते हैं जिनका मास ज्यादा होता है। 10:45 तक है क्लास जो है कि आपका, 10:45 तक। ठीक है, अभी 5 मिनट्स लेफ्ट। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, उनके भी नाम नहीं होते क्या, मतलब कि नहीं किसी के भी नाम, ऑक्सीजन ना किसी के भी प्रॉपर नेमिंग नहीं है, बस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नेम है प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। क्लियर है? चलिए, तो अब तो टाइम लगेगा 5 मिनट। सर हैवी आइसोटोप्स, सर हैवी आइसोटोप्स उन्हीं को कहते हैं जिनके मास ज्यादा होता है। हाँ, मास ज्यादा होता है इसलिए उसको हैवी आइसोटोप्स कहते हैं। तो सर ट्रिटियम को क्यों नहीं कहते हैवी आइसोटोप? ट्रिटियम एक्चुअली रेडियो एक्टिव हो जाता है ना, तो फिर इसको केमिकल रिएक्शन में फिर हम लोग यूज नहीं करते, ये जनरली नॉर्मल यूज में नहीं होता है, नहीं रेडियो एक्टिव होता है इसलिए, तो इसलिए इसको बाकी इसका कंसिडरेशन हम लोग नहीं करते हैं। नहीं रिएक्टिव होता है, सॉरी रेडियो एक्टिव होता है, मास सबसे ज्यादा होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव होने के कारण इसको हम लोग नॉर्मल कंसिडरेशन में नहीं रखते हैं। इसके जो है प्रॉपर्टी जो है कि ज्यादा ये यूजफुल नहीं होता, अप्लीकेबल नहीं होता है, है ना? तो सर और ऑक्सीजन की क्यों रेडियो एक्टिव नहीं होता कोई भी, मींस देखिए ये ओके ओके, ये देखिए ये टॉपिक जो रेडियो एक्टिविटी है ना, हम लोग को जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है वहां पर इसको जो है कि पढ़ना है कि कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव कब होगा, रेडियो एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन है, कैसे न्यूक्लियस स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये सब अलग टॉपिक हो गया, पूरा एक कम्प्लीट टॉपिक होता है जो कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से, कैसे रे निकलता है, रे निकलने से कैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता है, तो ये अलग टॉपिक हो गया। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि किसी एलिमेंट का रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कब होगा नहीं होगा, स्टेबल कब होगा नहीं होगा, ये अलग टॉपिक हो गया, तो यहाँ इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ऐसे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? लगभग टाइम इज गोइंग टू एंड, तो आज हम लोग यहीं पर बाइंड करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी आयन में, आयन कहते हैं कैटायन एनायन में, कि इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन एनायन में कैसे चेंज करता है, कैटायन एनायन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज क्लास इतना ही। ओके, थैंक यू। एनी डाउट है, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, क्लास माइंड कर रहे हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय, थैंक यू सर।